हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत। विद्युत में फुल चैप्टर, जितने भी विद्युत से रिलेटेड फार्मूलाज हैं आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जितने भी फार्मूला हैं विद्युत चैप्टर से रिलेटेड, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा विद्युत का फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं पूरा फार्मूला क्लियर कराऊंगा विद्युत चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं। पहला फार्मूला आप देख सकते हो, पहला फार्मूला आवेश। आवेश के बारे में सबसे पहले विद्युत चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे आवेश क्या होता है, मतलब आवेश के क्या फार्मूले हैं। तो आवेश के मेनली टू फार्मूलाज हैं, नंबर फर्स्ट ये है और नंबर सेकंड ये है। अच्छा, दो फार्मूला कैसे है, एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए है और एक होता है टाइम तथा आवेश के, यानी टाइम तथा विद्युत धारा के बीच में। अब देखो, अगर आपका न्यूमेरिकल में q बराबर ne, एक ये फार्मूला है q बराबर ne, यानी कि q यानी कि आवेश बराबर ne, ठीक है। तो ये फार्मूला एक है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन दिया हो तो ये फार्मूला लगाना न्यूमेरिकल के लिए, और अगर आपका यहां समय दिया हो और विद्युत धारा दिया हो तो क्यू बराबर आई इंटू टी, ये फार्मूला लगाना। अब दोनों को हम लोग समझेंगे। पहले आप समझो यहां एन क्या है, यहां आप लोग समझो, यहां जहां एन क्या है ये भी समझेंगे। एन बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है बच्चे पार्टी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ओके। एंड यहां आपका ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो ये होता है क्यू बराबर एनई का पूरा फंडामेंटल, यानी कि पूरी चीजें यही है, क्यू बराबर एनई। अगर आपका इलेक्ट्रॉन दिया हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप ये फार्मूला लगाना। अगर आपका ये वाला फार्मूला लगाना है जो आपका क्यू बराबर आई इंटू टी, तो ये भी फार्मूला, इन दोनों फार्मूले पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो क्यू बराबर आई इंटू टी, यहां आई क्या है, विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा है। एन टी क्या है, समय है। तो यहां से आपको यह भी पता चल गया आखिर यहां है क्या सब, ठीक है। तो यहां आपको मैंने एक ही चीज का दो फार्मूला बताया, क्योंकि भाई दोनों पर न्यूमेरिकल आते हैं और डेरिवेशन भी आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको दो फार्मूला बता दिए, ओके। अगला देखो बच्चा पार्टी, अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा का फार्मूला विद्युत आवेश से ही मिलकर बना है। यहां आपको जो आई है, इसको इसके नीचे, टी को इसके नीचे कर दिया गया, आई बराबर क्यू अपान टी, ये होता है विद्युत धारा का फार्मूला। आई बराबर क्यू अपान टी, ये भैया होता है विद्युत धारा का फार्मूला। दूसरा आपको समझ में आया, अब यहां क्यू क्या है, टी क्या है, तो क्यू बराबर आपका है बच्चा पार्टी आवेश, क्या है, आवेश। क्यू यहां क्या है, आवेश। एंड टी क्या है, टी है समय, ठीक है। तो ये है समय। यहां से आपको मैंने पहले सोचा कि विद्युत धारा यानी कि विद्युत का जितना भी फार्मूलाज हैं उसे मैं क्लियर करा दूं, ताकि आपका इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं लाने वाला हूं बहुत जल्द ही। तो इसलिए मैंने सोचा इसका जो मतलब फार्मूला है वो पहले क्लियर हो जाए, फिर मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। तो यहां से आप लोग फार्मूला जरूर क्लियर कर लो। तो यहां विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपान टी, एंड क्यू है आवेश, टी है समय, ठीक है। विद्युत विभव, विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W अपान Q, V बराबर W अपान Q, ठीक है। जहां W आपका क्या है एंड Q क्या है, दोनों आपको Q तो पता है, लेकिन मैं बार बार लिखूंगा कि आपको बार बार रिवीजन होता चले। W आपका क्या है स्टूडेंट, यहां W आपका क्या है, कार्य है, क्या है, वर्क है, कार्य है। W से वर्क होता है और Q से तो आवेश होता ही है। तो यहां से आपका कई बार मैं रिवीजन करा रहा हूं कि आप लोगों का जो फार्मूला है वो हमेशा रट जाए, जुबान पर रटा रहे, और कभी भी आप जिंदगी में भूलो ना। तो यहां से आपको पता चल गया कि विद्युत विभव, V बराबर W अपान Q, ये होता है विद्युत विभव का फार्मूला, ओके। सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब अगला देखो, विद्युत विभवांतर, केवल अंतर क्या है इन दोनों में, विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं, इसे डेल्टा V से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये विभवों का अंतर है V2 माइनस V1, एंड ये भी होता है W अपान Q, और यहां जो W है वही है कार्य है, ठीक है। W यहां भी कार्य है, एंड Q क्या है, Q यहां भी आवेश है। तो वही सेम फार्मूला है और कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। तो यहां से आपको चार फार्मूला क्लियर करा दिया गया है। पांचवा फार्मूला आइए हम लोग देखते हैं। पांचवा फार्मूला है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध बराबर क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, और R बराबर V अपान I। V यहां क्या है एंड I क्या है, प्रतिरोध R है, लेकिन यहां V क्या है एंड I क्या है, V आपका क्या है एंड
आई क्या है? तो यहां आपको पता होगा वी जो है वो विभवांतर है, एंड आई क्या है, आई धारा है। यहां से आपका मैं सारा चीज क्लियर करा रहा हूं ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और इसी पर पूरा ओम का नियम आधारित है। ठीक है, तो ओम का नियम भी पढ़ लेना। यहाँ R बराबर वी अपान आई, वी है विभवांतर एंड आई है धारा। अब यहाँ देखो विशिष्ट प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। और हमेशा याद रखना प्रतिरोध को कैपिटल R से तथा विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, रो पी के टाइप का होता है रो। ठीक है, अब देखो आइए हम लोग समझते हैं, यहाँ ये रो है रो, ठीक है रो। अब देखो यहां विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। अब यहां आर आपको पता है क्या है, ए क्या है एंड एल क्या है, सबको समझेंगे। ठीक है, आर यहां है प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोध, आपको पता है अभी ऊपर बताया गया है कि प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। ए है क्षेत्रफल, एरिया, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, ओके। एंड एल है लेंथ यानी कि लंबाई। तो यहां से आपको सब कुछ पता चल रहा है, आखिर यहां है क्या सब, सभी का मैंने आपको डिटेल बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, एंड एक एक चीजें जो आपको पता चल गया कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर आर ए पान एल, यहां आर क्या है प्रतिरोध है, ए क्या है क्षेत्रफल, एंड एल क्या है लंबाई है। ठीक है, समझ में आया। अगला देखो लाइक श्रेणी क्रम संयोजन एंड समांतर क्रम संयोजन, यहां दो प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन होता है। तो अब श्रेणी क्रम एक होता है, एक समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम मतलब होता है बच्चे पार्टी कि लाइन से लगना, लाइक इस बच्चे ऐसे स्कूल में लगते हैं ऐसे लाइन से लाइन से लाइन से ऐसे लाइन से लगा रहता है, तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन, लाइन से लगना। लाइक इस अगर प्रतिरोधों को लाइन से लगाना है तो कैसे लगाओगे, लाइक इस आप जैसे एक प्रतिरोध को आप लाइन से ऐसे लगाया जाता है, ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। लाइक इस ये ठीक है, ऐसे आप प्रतिरोध को लगाओ और ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां आप R1 नाम दे दो, R2 नाम दे दो इसी प्रतिरोध को, R3 नाम दे दो, R4 नाम दे दो। अब आपका इसका कुल का प्रतिरोध अगर निकालना होगा तो इसी को हम लोग R बराबर सॉरी कुल तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यही लिख देते हैं, और आपका ये हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, बस यही आपको श्रेणी क्रम संयोजन में यही फार्मूला लगाना है। और आर आप इन सबको अगर 3 ओम हो, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, तो यहां आप आर बराबर ये सब जोड़ लो, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, या 4 3 7 7 5 12 12 6 18, यानी कि 18 ओम, बस यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको श्रेणी क्रम संयोजन को समझना था, मैंने समझा दिया। अब समांतर क्रम संयोजन कैसे आता है, ठीक उसका उल्टा होता है। लाइक समांतर क्रम में होता है समांतर, जैसे 1 अपान आर बराबर 1 अपान आर 1 प्लस 1 अपान आर 2 प्लस 1 अपान आर 3, इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़ते हैं। अब इसमें कैसे प्रतिरोध लगे होते हैं समझ लो। लाइक यहां आपका प्रतिरोध है एक, ओके, तो यहां आपका ऐसे तार से लगा रहेगा दूसरा प्रतिरोध, ओके, अब ये तीसरा प्रतिरोध, ये इस तरह से, ये आपका R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है, ये एक दूसरे के समांतर रहेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन, और ये होता है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और यहां भी R1 का मान न्यूमेरिकल में दे देगा, R2 का, R3 का, और सबको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आया। और यहां आपका एक बहुत बड़ा फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं लेकिन मैंने सोचा बता दें, W बराबर V I इंटू टी, एंड यही W बराबर होता है I स्क्वायर R T, यही W बराबर होता है V स्क्वायर T अपान R जूल। ये आपका विद्युत व्यय विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए होता है, और इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, लाइक W बराबर जो व्यय विद्युत ऊर्जा V I इंटू टी, और इसी W को आप W बराबर I स्क्वायर R T, एंड इसी को आप W बराबर V स्क्वायर T अपान R, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को एक डिटेल में बता दिया जाए। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया, कुछ इस प्रकार से आप फार्मूले के लिख सकते हो, और आपका सब मात्रक जूल में आएगा, मतलब जूल में आंसर आएगा, क्योंकि आपका पता है कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो यहां से आपके 9 फार्मूले मैंने क्लियर करा दिए हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे बहुत ज्यादा इजी है। एंड 10 नंबर फार्मूला, चुंबकीय क्षेत्र V बराबर, भाई चुंबकीय क्षेत्र V बराबर आपको याद रखना है,
यहां वी बराबर म्यू नॉट आई अपान टू पाई आर, यहां से म्यू नॉट आई अपान टू पाई आर। अब यहां है क्या सभी, अब आपको मैं समझा दूं, जहां आप लिखकर सभी को मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि भाई समझना जरूरी है, हर एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप समझ जाओगे आज तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। बार बार आप वीडियो को देखो, न्यूमेरिकल कैसे लगाए, जैसे आप इन सारे वीडियोज को देखोगे तो विद्युत से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज है सभी मैं क्लियर करा दिया हूं, इससे बाहर कुछ आएंगे नहीं, ठीक है। तो यहां देखो आपका यहां म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट बराबर है निर्वात की चुंबकीयशीलता, क्या है निर्वात की चुंबकीयशीलता, ओके। यहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकीयशीलता, और आई क्या है, आई है धारा, क्या है यहां आई क्या है, विद्युत धारा लिख दो या फिर धारा लिख दो, विद्युत धारा। एंड आर क्या है, दूरी, बस ये आपको याद रखना है, ओके। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूं क्योंकि एक में मिल जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो यहां से आपको ये फार्मूला से अगर आपको दिया रहेगा, वैसे दूरी दे देगा एंड विद्युत यहां आपको आई का मान दे देगा और आप निकाल लोगे, बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। एंड जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो इसे जान जाओगे, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है साइंस का, देखो सभी वीडियोज को, तब आप लोग सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। अगला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर आपका केवल प्रतिरोध होता है तो आर से डिनोट किया जाता है, और अगर आंतरिक प्रतिरोध तो स्मॉल आर से, आंतरिक को स्मॉल आर से, एंड अगर आपका कैपिटल हो वो आपका आर से, ठीक है। देखो यहां आई यानी कि विद्युत धारा आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, यहां ई बराबर क्या है, आर क्या है, आर, ये तो मैंने बता दिया आर, ये कैपिटल वाला विद्युत प्रतिरोध है और स्मॉल वाला सेल का आंतरिक प्रतिरोध, लेकिन मैं आपको लिख कर समझाऊंगा। यहां आई क्या है, ई क्या है, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है। आई यहां क्या है, देखो आई यहां है विद्युत धारा, लाइक इस मैंने 10 बार बता चुका हूं लेकिन बताता रहूंगा जब आप लोगों को बार बार, तो हमेशा याद रहेगा। ई आपका है विद्युत वाहक बल, कभी भी आप पढ़ने से मत हिचकिचाओ, पढ़ने से आप कचाओ मत, मतलब पढ़ने से आप कभी भी पीछे मत भागो, बार बार लिखने के लिए आए बार बार लिखो, क्योंकि जितनी बार लिखोगे जितनी बार रिवीजन करोगे, टॉपर का एक यही निशानी होता है, वो बार बार लिखता है, बार बार रिवीजन करता है। ये कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध, एंड स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। जितनी बार आप लिखोगे उतना ज्यादा आपका बेसिक मजबूत होगा, उतना ज्यादा आपका बेसिक क्लियर होगा। तो यहां से आपको मैंने इतने सारे चीजें बता दी, चारों क्या के क्या हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, यहां से आंतरिक प्रतिरोध भी समझ में आ गया क्या है आंतरिक प्रतिरोध। एंड बायो सेवाइट का नियम आप समझ लो, बायो सेवाइट का नियम पूरा फाइनली, बायो सेवाइट के नियम का एक फार्मूला है, वी बराबर म्यू नॉट बटे फोर पाई, म्यू नॉट बटे फोर पाई का मान होता है 10^-7, ये कॉन्स्टेंट है, नियतांक है। एंड आई एंड डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां आपका म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकीयशीलता, अभी मैंने बताया, आई है धारा, एंड यहाँ कैपिटल एल जो है ना ये एक छोटी दूरी है, छोटी लंबाई है, एंड आर स्क्वायर है दूरी, आर दूरी है, एंड अब मैं नहीं लिखूंगा, बहुत हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको बता दिया यहाँ म्यू नॉट बटे फोर पाई यानी कि म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकीयशीलता, आई है धारा, एल है एक छोटी सी दूरी एंड मतलब लंबाई, और आर है दूरी, ठीक है। तो यहां से आपको 12 केवल आपको 12 यानी कि 12 आपको सूत्र तैयार करने हैं पूरे विद्युत में से, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में से, क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए है, एंड क्लास 12th में भी यही आता है। तो ऐसे में अगर आप लोग इन सबको तैयार कर लोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी आपके फार्मूलाज हैं वो क्लियर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा में मैंने जो भी बताया उसे नोट कर लो जल्दी से, एंड नोट कर लोगे तो आप लोगों को भाई सहायता मिलेगा, वीडियो पीछे करके अगर नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।